अस्सलामुअलैकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट कढ़ाई गोश्त। इसके लिए मैंने देखो ये आधा किलो गोश्त लिया है, इसे मैंने उबाल लिया है। हल्दी और थोड़ा सा नमक डाला है मैंने और इसे उबाल लिया है। अब मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे, गैस ऑन किया है। हम इसके अंदर डालेंगे 6 टेबल स्पून तेल, 2 प्याज लेनी है। अगर आपके पास बड़ी प्याज नहीं होगी, अगर छोटी छोटी प्याज होगी 3 से 4 प्याज ले लेना। ये देखिए इतना होना चाहिए कट कर। या आपके बाउल ऐसे सबके पास ऐसे बाउल रहते हैं तो आप देख लेना, इतना ले लेना। अब तेल हमारा गर्म हुआ है, हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। अगर मेजरमेंट से करेंगे तो 1 कप चाहिए हमें। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए अच्छे से मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये थोड़ा सा नमक, हमें डालना है। और यहाँ पे लिए है मैंने ये हरी मिर्च ली है, ये 3 ली है क्योंकि मेरी ये हमारी ये हरी मिर्च बहुत तीखी वाली है, इसलिए मैंने 3 ही लिया। अगर आपकी तीखी नहीं होगी तो 4 ले लेना। और इसे मैंने ऐसे ऐसे स्लाइस में कट किया है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसे हम अच्छे से पूरा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे लिए है मैंने अदरक, ये मैंने ऐसी ऐसी कट की है, इससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। ये 1 इंच अदरक ली है, ये हम इसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे पूरा मिक्स कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से अदरक को भी इसके अंदर पूरा भून लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। मानो कि ऐसी अदरक इस गोश्त की जान है, इसलिए हमें ऐसी डालनी है। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, वो डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसे हम इसके अंदर भून लेंगे। अब यहाँ पे कुछ मैंने मसाले लिए हैं। यहाँ पे लिए मैंने 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ली है, तीखा आप आपके इससे डाल लेना, आपको तीखा कितना चाहिए। अगर आपको 2 टेबल स्पून डालना हो तो आप उतना भी डाल सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट में मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली है, अगर आपके पास नहीं होगी तो इसे स्किप कर देना। यहाँ पे मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक है, ये लिए मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ली है, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर लिए है, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। अब हम इसमें ये पूरा कढ़ाई में डाल देंगे। मैंने पूरा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून दही डालेंगे, इसे पूरा हम मिक्स कर लेंगे। ये पूरा मैंने मिक्स किया है अच्छे से, इसे 5 मिनट भून लिया है। ऐसे ही चम्मच से चलाते। अभी यहाँ पे मैंने लिया है ये कसूरी मेथी, इसे मैंने तवे पे भून लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। इसे पूरा क्रश करके डालना है। यहाँ पे मैंने ली है टमाटो प्यूरी, ये मैंने बड़े 2 टमाटर थे उसे पीस लिया है। अगर आपके पास बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे तो 4 ले लेना। मान लो ये 1 कप चाहिए हमें, जो भी हम बाउल ले लेंगे जिससे हम मेजर करेंगे वो हमें 1 कप चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। छोटी कटोरी रहती ना वो 1 कप मान लेना इसे, या बड़े 2 टमाटर ले लेना। इसे हम इसके कढ़ाई में डाल देंगे।
अगर छोटे होंगे तो चार ले लेना, बड़े होंगे तो दो ले लेना। इसे हम पूरा मिक्स कर लेंगे अभी। अब यहाँ पे मैंने एक नींबू लिया है, उसे हम इस कढ़ाई में निचोड़ लेंगे। इसे मैंने अच्छे से नींबू निचोड़ लिया है और इसे मिक्स किया है पूरा। अब हम इसमें थोड़ा हरा धनिया डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया। इसे हम पूरा मिक्स कर देंगे। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें हमारा ये गोश्त, ये हम इसके अंदर पूरा डाल देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये पूरा मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक लेंगे और 5 से 10 मिनट पका लेंगे। ये देखिए कढ़ाई गोश्त हमारा रेडी हो गया। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा गार्निशिंग करेंगे, हरा धनिया डाल देंगे। और हमें इसका सालन नहीं बनाना है, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हमें इसे करना है। ये देखिए हमें जब हम कुकर में इसे उबालेंगे तब हमें थोड़ा ही पानी डालकर इसे उबाल लेना है, क्योंकि हमें सालन नहीं बनाना है इसका। आप देख सकते हो, ये देखिए मैं अब आप इसको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये मैंने ग्रेवी निकाल दी है। यहाँ पे मैंने रोटी ली है, गेहूं की रोटी ली है। आप नान भी ले सकते हो, आपको जिससे खाना है वो आप इस पे ले सकते हो। और देखो यहाँ पे मैंने ये चावल भी ले लिए हैं, जिससे भी खाना होगा आप इसे खा सकते हो। मैं अब आप इसको टेस्ट करके बताती हूँ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर नींबू निचोड़ लिया। ये देखिए बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही बहुत ही टेस्टी बना है। मैं आपके लिए और एक टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत अच्छा बना है। आप भी जरूर इसे बनाना और कमेंट में मुझे बताना ये टेस्ट में कैसा लग रहा है। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह।